नमस्कार मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चार बाग लखनऊ आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल सैद्धांतिक प्रथम वर्ष से लाइम या चूना और उसके कैरस्ट्रेटिक्स और टाइप्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा सबसे पहले हम चूने का इंट्रोडक्शन जानते हैं चूना क्या होता है उस उसके बारे में हम जानेंगे चूना एक बंधक पदार्थ होता है जो प्रकृति में हमें कंकर पत्थर आदि के रूप में मिलता है इसका प्रयोग हम भवन निर्माण में बंधक पदार्थ के रूप में करते हैं जिसमें हम मत से मसाला बना सकते हैं पुताई कर सकते हैं सफ़ेदी कर सकते हैं इस तरह के कार्यों में हम उसे प्रयोग करते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चूना मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्साइड होता है सी जिसे कहते हैं चूने का उत्पादन कैल्शियम कार्बोनेट से होता है और इसे हम पकाकर या जलाकर जो है भट्टियों में पकाते हैं उसको और जलाते हैं तो हम उसे प्राप्त करते हैं प्रकृति में चूना जो है अशुद्ध रूप में होता है यानी शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है कुछ अन्य द्रव्य भी जो इसमें मिले होते हैं जिन्हें हम अपद्रव्य या इम्प्योरिटीज़ कहते हैं या उसे चूने की गंदगी भी हम लोग कहते हैं यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाने वाला पाउडर होता है उसे हम चूना कहते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम चूना कई प्रकार का होता है कई प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड 712 1973 के अनुसार उसके बहुत आ, भागों में उसको जो है वर्गीकृत या क्लासिफाई किया गया है इसमें सबसे पहले क्लास ए प्रकार का जो चूना होता है वो मुख्य रूप से हाइड्रोलिक चूना कहलाता है जिसका उपयोग हम संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल वर्क में या स्ट्रक्चरल वर्क से संबंधित कार्य जैसे मेहराव आर्चेज हैं डोम्स हैं आदि कार्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं और क्लास बी प्रकार का जो चूना होता है वो सेमी हाइड्रोलिक होता है उसका उपयोग हम चिनाई कहारी में कर सकते हैं <coughs> उसके बाद क्लास सी की अगर हम बात करते हैं तो ये फैट लाइम होता है फैट लाइम का प्रयोग प्लास्टरिंग वॉल की सफ़ेदी और चिनाई में मसाला बनाने के लिए बंधक पदार्थ के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं क्लास डी प्रकार का जो, जो लाइम होता है वो मैग्नीशियम और डोमोलाइट लाइम होता है जिसका प्रयोग हम दीवारों की सफ़ेदी के लिए ज़्यादा करते हैं और क्लास ई इस चूने का उत्पादन नूडल्स को जलाकर या कच्चे चूने के जो अयस्क होते हैं उसको जलाकर किया जाता है यह चना चूना जो है जलीय होता है तथा काली मिट्टी में इसे जो है सिलिका के रूप में पाया जाता है क्लास ई वाला चूना का प्रयोग भी हम सफ़ेदी आदिकारी के लिए करते हैं उसके बाद क्लास एफ सिलिकस डोमोलाइट लाइम कहलाता है और इसका उपयोग सामान्य तौर पर प्लास्टर अंडर कोटिंग और फिनिशिंग कार्य हेतु तो हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम इसमें क्या गुण होने चाहिए या क्या क्या गुण रखता है चूना जो है आसानी से काम करने योग्य होता है और अच्छी इसमें प्लास्टिसिटी होती है और जल्दी कठोर होने का गुण भी होता है इसमें चिनाई को ताकत प्रदान करता है और नमी के लिए अच्छा प्रतिरोध प्रदान करता है चूना एक उत्कृष्ट अच्छे बंधन पदार्थ के रूप में पूरी तरह से वर्क करता है चूना चिनाई में सूखने पर कम संकुचित होता है जिस कारण ये टिकाऊ साबित होता है या बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है यूजेज ऑफ़ लाइम इसका उपयोग हम लोग कंक्रीट के लिए एक मैट्रिक्स या उसे आधार भी कहते हैं बेस के रूप में करते हैं इस इसे चिनाई के कार्य हेतु गारा या मोटर तैयार करने में उपयोग में लाया जाता है इसका इस्तेमाल दीवारों छत आदि के प्लास्टर करने के लिए किया जाता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम स्टोन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है बलुआ चूना ईट बनाने में इसका उपयोग करते हैं जिसमें बालू या सैंड के गुण होते हैं जिस चूने में उसको हम ईंट बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं धातुकर्म या मेटो मेट्रोलॉजिकल प्रक्रिया में हम फ्लक्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं पेंट के निर्माण में भी चूने का प्रयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में जो हम मेट्रोलॉजिकल तो रूप में इसका प्रयोग करते हैं उसमें इस चूने का जो धातु होता है कोई पदार्थ होता है धातु उसको सफाई करने के लिए उसकी धातु की सफाई करने के लिए उसको फ्लक्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं और चूना मज़बूत सस्ता होता है जो गारा तैयार करने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में काम में लिया जाता है मिट्टी के स्थरीकरण या स्टेबिलाइजेशन का जो कार्य होता है उसमें भी चूने को हम लोग प्रयोग करते हैं कांच के निर्माण में या ग्लास के निर्माण में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जल के उपचार कार्य में इसका उपयोग किया जाता है इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वह है टेस्ट फॉर लाइम टेस्ट कैसे कैसे करते हैं लाइम को कैसे उसके गुण धर्म के बारे में जानते हैं हम या उसके प्रकार कौन से हैं कैसे जानते हैं तो चूने का जो टेस्ट होता है हम दो तरह से करते हैं पहला टेस्ट जो होता है लेबोरेटरी या लैब टेस्ट होता है जिसमें हम लैब में उसकी टेस्टिंग करते हैं ये टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट में अगर हम जाते हैं तो ये टेस्ट जो होता है दस प्रकार से लैब में इसको टेस्ट किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड छः हजार नौ सौ बत्तीस डैस उन्नीस सौ तिहत्तर के अनुसार जो है इसके टेस्ट होते हैं मेथड्स ऑफ ऑफ टेस्ट फॉर बिल्डिंग लाइम के नाम से उसको हम जानते हैं अगला जो टेस्ट होता है इसका वो फील्ड टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट ये इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक संस्था के अनुसार छः हजार नौ सौ के अनुसार जो है ए नंबर ऑफ़ फील्ड टेस्ट ऑफ बिल्डिंग लाइम एज फॉलोज नीचे जो हम टेस्ट इसके किए हैं उसके अनुसार जो है हम पहले विजुअली एग्जामिनेशन करते हैं इसका विजुअली हम इसको देखते हैं कि कैसा है चूना सी श्रेणी का जो चूना होता है शुद्ध एवं सफ़ेद कलर का होता है तो उसे हम विज़ुअली देख के बता सकते हैं उसके बाद दूसरा होता है हमारा हाइड्रोलिक एसिड टेस्ट इस परीक्षण का उद्देश्य चूने का वर्गीकरण करना एवं चूने में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को ज्ञात करना होता है तीसरा जो टेस्ट होता है वो बॉल टेस्ट होता है इस परीक्षण में हम चूने का मूल्यांकन कर और उसका वर्गीकरण करते हैं कि ये हाइड्रोलिक लाइम है फैट लाइम है या कैसा लाइम है तो उसका परीक्षण करते हैं इसमें बॉल टेस्ट में उसकी गेंदें बनाई जाती हैं गेंद बना के उनको जमाया जाता है तो उससे परीक्षण करते हैं फिर उसका जला के तो उसे हम बॉल टेस्ट कहते हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी निस्तापन या जलाना या कैल के, कैल्सिनेशन इसको कहते हैं चूने को जब प्राप्त करते हैं हम उसको जला के प्राप्त करते हैं तो उसको निस्तापन या जलाना कह कहा जाता है ये जो है वायु की उपस्थिति में चूना जो है चूना पत्थर सी ए सी ओ थ्री को जलाकर या अनबुझा चूना सी ए प्राप्त करने की विधि को हम चूने का निस्तापन कहते हैं चूना या लाइम किसे कहते हैं चूना लाइ पत्थर जो है सी ए सी ओ थ्री यानी जो लाल तप्त होने पर यानी उसको जब हम जलाते हैं बहुत तेज़ उसको जलाते हैं तो वो वायु की उपस्थिति में जो है गर्म किया जाए तो यह सी ओ टू देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छो, छोड़ता है या देता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ उत्पन्न करता है जिसे हम अनबुझा चूना कहते हैं इसकी जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है सी ए सी ओ थ्री लाल अगर उसको जलाएंगे सी ए सी ओ थ्री को तो हमें सी ए ओ प्लस सी ओ टू जो है दो भागों में अलग अलग बढ़ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और यदि उसको फिर छोड़ देते हैं हम वैसे ही तो वो धीरे धीरे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर फिर सी ए सी ओ थ्री में बदल जाता है उसके बाद सी ए ओ या अनबुझा चूना किसे कहते हैं इसे कास्टिक चूना भी हम या कास्टिक लाइम भी कहते हैं यह शुद्ध चूना पत्थर के निस्तापन से प्राप्त होता है या उसको जलाने से प्राप्त होता है यह नमी या मॉइस्चर के साथ शीघ्रता से क्रिया भी करता है उसके बाद चूने को बुझाना या स्लैकिंग क्या होता है जब क्विक लाइम में हम पानी डालते हैं तो यह टूट कर चूर्ण के रूप में बदल जाता है तथा रासायनिक क्रिया होने के कारण इसमें से काफ़ी मात्रा में जो है ऊष्मा या हीट निकलती है और इसका आयतन मूल आयतन से ढाई से तीन गुना तक बढ़ जाता है यानी वो फूल जाता है और प्राप्त चूर्ण को जली चूना या हाइड्रोलिक लाइम या बुझा हुआ स्लैक्ड लाइम हम लोग कहते हैं कठोर होना या सेटिंग और हार्डनिंग बुझा हुआ चूना विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद कठोर होने लगता है इसमें जो उसका सेटिंग होता है सेटिंग का अर्थ हमारा सूखने से नहीं होता है सेटिंग का अर्थ हमारा कठोर होने से होता है क्योंकि इसमें चूने के एलमूनीयम तथा तो सिलिकेट के क्रिस्टल का निर्माण होता है और क्रिया को इस क्रिया को हम जो है कठोरीकरण की क्रिया कहते हैं या हार्डनिंग ए, की क्रिया कहते हैं उसके बाद आता है हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोलिसिटी या जलपक्ता इसे हिंदी में हम कहते हैं हाइड्रोलिसिटी जो है चूने का वह गुण जिसके कारण वह जल के अंदर रहते हुए जल के साथ जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कठोर हो जाता है इस स्थिति में वायु का प्रवेश नहीं होता है इस क्रिया को हाइड्रोलिसिटी कहते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर होता है तो वहाँ एयर उसमें नहीं आती है इसलिए उसे हाइड्रोलिसिटी कहते हैं चूने के प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइम चूने के प्राकृतिक स्रोत चूना प्रकृति में हमें ऐसे ही मतलब मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है वह चूना पत्थर के रूप में या कंकड़ या चौक के रूप में समुद्री जानवरों के सेल्स के रूप में इसे हम निकालते हैं या उत्पन्न करते हैं चूने का जो को हम विशेष प्रकार की भट्टियों में चूना पत्थर के निस्तापन के से प्राप्त कर प्राप्त करते हैं चूना प्रकृति में हमें विभिन्न रूपों में मिलता है जैसे हिलीज एरिया या ऊंचे इलाके या रिवर बेड्स नदियों के किनारे जमीन के अंदर कंकड़ के रूप में समुद्री जानवरों की सेल्स के रूप में हमें ये प्राप्त होता है नेचुरली और प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त चूना पत्थर में कुछ मौलिक अंश होते हैं जैसे क्ले उसमें मिट्टी भी मिली होती है साथ में तो मिट्टी यह चूने को जलपका करने के बाद बचा हुआ पदार्थ होता है चूने को बुझाने की क्रिया में ये तीस परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए अगर तीस परसेंट से अधिक आ, मिट्टी या क्ले की मात्रा होगी तो वो फिर जो है चूना जो है अच्छा नहीं होगा और वो बुझाने की प्रक्रिया में भी दिक्कत करेगा उसके बाद सोल्यूबल सिलिकेट्स होते हैं घुलित सिलिकेट्स कैल्शियम एलमियम है मैग्नीशियम है आ, इसके जो सिलिकेट होते हैं चूना पत्थर के साथ जो है जल जलपक्ता को विकसित करने के लिए काम में लाए जाते हैं उसके बाद इसकी सूक्ष्म मात्रा आयरन जो होता है आयरन की बहुत सूक्ष्म मात्रा इसमें होती है सल्फेट्स होते हैं सल्फेट्स की सूक्ष्म मात्रा जड़ाव व कठोरता की प्रक्रिया को त्वरित कर देती है सल्फेट की अधिक मात्रा बुझाने की प्रक्रिया या स्लैकिंग एक्शन में भी विलंब करती है और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है यह चूने को मंद रूप में या धीरे धीरे बुझाता है वह जड़ता या सेट करता है यह चूने को अधिक मजबूती प्रदान करने का काम भी करता है क्षार होता है एल्कलीज होते हैं जो ये जल पका या हाइड्रोलिसिटी को अच्छा करने में मदद करता है इसकी मात्रा क्षार की जो है चूने में पाँच परसेंट तक होनी चाहिए कंपेरिज़न बिटवीन फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम लाइम रचना अगर इसकी हम देखते हैं फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम की तो कैसी रचना होती है मिट्टी में केवल पाँच परसेंट अशुद्धियों वाले चूने के तुलनात्मक रूप से शुद्ध कार्बोनेट से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं फैट लाइम को और यदि हाइड्रोलिक लाइम की रचना देखेंगे तो हाइड्रोलिक लाइम चूना पत्थरों से प्राप्त होता है जिसमें लगभग 30 परसेंट तक और फेरक्स फेरस ऑक्साइड की मात्रा जो होती है ए, कुछ मात्रा इसमें मिली होती है उसके बाद स्लैकिंग एक्शन देखेंगे इसका तो स्लैकिंग एक्शन में फैट लाइम जो है सख्ती से खिसकता है इसकी मात्रा जो है त्वरित चूने की मात्रा से लगभग दो से ढाई गुना तक बढ़ जाती है स्लैकिंग ध्वनि और गर्मी के साथ होता है यानी जिस चूने को जब हम बुझाते हैं तो वो आवाज़ करता है और तीस आवाज़ करने के साथ उसका वॉल्यूम जो है बढ़ता है शीशी की उसके अंदर आवाज़ आती है हाइड्रोलिक आयतन जो है हाइड्रोलिक लाइम पर अगर हम आते हैं तो हाइड्रोलिक लाइम का आयतन जो है बढ़ता है लेकिन उसके साथ स्लैकिंग ध्वनि या गर्मी जो है कम जो है उत्सर्जित होती है यानी कम होती है बहुत फैट लाइम की अपेक्षा उसके बाद सेटिंग एक्शन फैट लाइम हवा की उपस्थिति में जो है धीरे धीरे सेट होता है और यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और वातावरण के प्रभाव से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और यदि हम हाइड्रोलिक लाइम की बात करें सेटिंग में तो पानी के नीचे ये सेट होता है हाइड्रोलिक लाइम और पानी के साथ मिलकर हाइड्रेट टाई कैल्शियम सिलिकेट के क्रिस्टल को जो है बनाता है हाइड्रोलिसिटी देखें इसकी तो फैट लाइम में हाइड्रोलिक गुण जो है नहीं के बराबर होता है लेकिन हाइड्रोलिक लाइम में हाइड्रोलिक गुण मौजूद रहते हैं और कलर की अगर हम बात करते हैं फैट लाइम पूरी तरह से सफ़ेद रंग का होता है और हाइड्रोलिक लाइम का रंग जो है इतना सफ़ेद नहीं होता है हल्का वो ब्राउन या पीलापन जो है लिए रहता है स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम फैट लाइम कम मजबूत होता है और इसलिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों में नहीं किया जाता है हाइड्रोलिक लाइम मजबूत होता है और इसका का महत्वपूर्ण कार्यों में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं यूजेस यूज़ use की बात करते हैं हम कहाँ वो इनका यूज़ होता है फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम का तो फैट लाइम का उपयोग हम प्लास्टर वर्क में वाइट वॉशिंग आदि के लिए और रेत या सुरखी के साथ मोल्टर तैयार करने के लिए हम लोग करते हैं और हाइड्रोलिक लाइम का प्रयोग हम मोटी दीवारों नम स्थानों के लिए मोटर या मसाला तैयार करने के लिए कर सकते हैं इससे प्लास्टर का कार्य करने पर जो है हमें अधिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये हाइड्रोलिक लाइम है जल्दी जो है ये पानी को अवशोषित करता है और नमी पैदा कर सकता है इसलिए उस पर प्लास्टर कारी में हम इसको कम यूज़ करते हैं और करते हैं तो फिर हमें उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ जाती है आज जो मैंने प्रशिक्षण आपको प्रदान किया उसमें मैंने आपको लाइम चूना के करेस्टेक्टिक्स या गुणों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया और उसके टाइप्स या प्रकार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया उसके इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइम के बारे में भी हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया यूज़ेज ऑफ लाइम लाइम के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं कहाँ कहाँ हम उनको प्रयोग कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर हम उसको आ, जो है किन कार्यों में यूज़ कर सकते हैं टेस्ट ऑफ लाइम चूने का परीक्षण या टेस्ट हम कैसे करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करते हैं लैब में दस प्रकार के इसके टेस्ट किए जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और फील्ड टेस्ट फॉर बिल्डिंग लाइम फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी या जो शब्दावली है इसमें प्रयोग की जाती है चूने में वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइम लाइम कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं और कंपेरिज़न बिटवीन फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम में के अलग अलग गुणधर्म कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको आज प्रशिक्षण प्रदान किया आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया वो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से ये प्रयुक्त संदर्भ लिया और आज का प्रशिक्षण जो मैंने आपको प्रदान किया मुझे आशा है कि भविष्य में आपके लिए वो उपयोगी साबित होगा धन्यवाद